नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल और यूनिट टू का क्वेश्चन जो है हमारा रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब है कि कोई मान्यता प्राप्त चीज़ या देश, मान लो भारत को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन है, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या अपने ओपिनियन दिए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि तुम्हारा है रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। रिकॉग्नाइजेशन जैसे भारत देश है, भारत देश एक देश तो बन गया, चार चीज़ें हासिल कर ली। क्या हासिल कर लिया? भारत के पास जनसंख्या है, भूभाग है, क्षेत्र है, ठीक है, और गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, सरकार है, ये सब चीज़ें भारत ने हासिल कर ली। अब भारत एक देश बन गया, स्वतंत्र हो गया। अब भारत देश किसी अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करेगा तब कैसे करेगा? तो भारत देश को यह जरूरी है कि वह अपने आप को विश्व स्तर पर मान्य करे कि हम भी एक देश हैं, बड़े पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, हम भी एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, है ना, ये साबित करे। तो वहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि रिकॉग्नाइजेशन, कोई देश अगर रिकॉग्नाइज हो गया तब वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर लेगा। परीक्षा में पूछा जाए तो यही डिफिनेशन आप लिख देना वहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो थ्योरी हैं रिकॉग्नाइजेशन में, दो थ्योरी वहाँ पे सही पूछ ले आपसे। एक तो तुम्हारा कंस्टिट्यूटिव थ्योरी, एक डेक्लोरेटरी थ्योरी। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद दो थ्योरी लिखोगे आप। पहली थ्योरी कौन सी है? कंस्टिट्यूटिव थ्योरी, जिसके जो तुम्हारे विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने थ्योरी में अपना ओपिनियन दिया है। सबसे पहले थे एंजेलोटी, दूसरे हैं ओपेनहाइम, तीसरे हैं होलैंड और चौथे हैं हीगल। ये चार स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया। और ओपिनियन क्या दिया इन्होंने कि तुम्हारा जो देश है वो रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा, कैसे तुम्हारा मान्यता प्राप्त होगा, क्या कंडीशन है, इन्होंने थ्योरी में लिख के दिया। तो एंजेलोटी ने और ओपेनहाइम ने, होलैंड ने, हीगल ने बोला है कि चार चीज़ें हासिल कर ली, ठीक है, और रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो आप एक मान्यता प्राप्त देश नहीं है, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो ये चार चीज़ें हासिल कर ली और अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, है ना। और रिकॉग्नाइज कौन करता है मित्रों? ये जो हमारे यूएनओ वगैरह होते हैं, बड़े बड़े देश होते हैं, ये एक देश को मान्यता प्राप्त करते हैं विश्व स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए। या फिर दूसरी टर्म कंडीशन क्या है, या तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो दो देश, अब मान लो कि ये तुम्हारा भारत है और ये तुम्हारा रूस है। भारत पहले मान्यता प्राप्त नहीं था, तब भी रूस ने भारत की मदद की, क्योंकि भारत और रूस के बहुत बढ़िया संबंध थे। इसीलिए जब पाकिस्तान अमेरिका मिलके भारत के विक्रमादित्य जहाज था, समुद्री जहाज, उसको मारने के लिए चीन ने छठा बेड़ा भेजा था, अमेरिका ने छठा बेड़ा भेज दिया था, तब रूस ने भारत की मदद की थी। इसी को तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना। अब यूएनओ वगैरह जो रिकॉग्नाइज कर देगा तो सारे देश आपके समर्थन में रहेंगे, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तब रूस था भारत का सबसे प्रिय दोस्त, तो रूस ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करी और अपना 32वां बेड़ा भेज दिया कि आओ बेटा तुम अपना छठा बेड़ा लेके हम निस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कंस्टिट्यूटिव थ्योरी में दो चीज़ें मानी गई हैं, एक तो एंजेलोटी ओपेनन होलैंड के अनुसार ये चार चीज़ें हो गई, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लो तब तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर दे सकते हो, नहीं तो भारत रूस की तरह आप एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे डेक्लोरेटरी थ्योरी क्या कहती है। डेक्लोरेटरी थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, डेक्लोरेटरी कहती है कि आप जो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो जनसंख्या, दूसरा भूभाग और तीसरा कौन सा है मित्रों, सरकार, और चौथा क्या है, प्रभुसत्ता।
ये चार चीजें हासिल कर लेते हो तो आप अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सकते हो। और दूसरा इसे बोल दिया गया, जब आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, मान्यता प्राप्त करा लेते हो, तो रिकॉग्नाइजेशन डिक्लेरेटरी थ्योरी में रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि आप इविडेंस बन जाते हो, इविडेंस बन जाते हो कि आप एक सबूत बन जाते हो कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए एक बहुत ही बड़ी कंट्री हो, है ना, ऐसा बोलता है डिक्लेरेटरी थ्योरी। फिर हम बात कर लेते हैं, दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम, है ना। तो पहला क्या है, यूनिवर्सल, दूसरा पार्सल। यूनिवर्सल और पार्सल में क्या अंतर है ये आपको हम बता देते हैं एक बार, बहुत शॉर्ट भाषा में आपको हम बता देंगे, ये सब आप एक बार नोट कर लो। यूनिवर्सल और पार्सल जो मोड्स हैं मित्रों, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन रह रहा है, वो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार आप लिखो, हम बताते हैं आपको। इसमें सबसे मेन है कि ड्यू ज्यूरी क्या होता है, ड्यू ज्यूरी और डिफैक्टो, ड्यू ज्यूरी डिफैक्टो, ये दो चीज़ें हैं, बहुत हैं। अब जैसे अपने आप को एकदम रिकॉग्नाइज करते हो तो इसके भी दो तरीके हैं, एक क्या होता है मित्रों, कानूनन, ड्यू ज्यूरी मतलब कानूनन, कानूनन तरीके से यूएनओ वगैरह निर्देश आपको मान्यता प्राप्त दे दे। एक होता है डिफैक्टो, मतलब वास्तव में टेम्परेरी बेस ही होता है, जैसे भारत और रूस का संबंध जो 36वां बेड़ा रूस ने भेजा था उसे कहते हैं डिफैक्टो ज्यूरी, है ना, उसे डिफैक्टो की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये हो गया आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का चौथा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।